हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो मैं जा रहा था फ्रेशको मार्केट, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप का मोबाइल फ़ोन यहाँ कनाडा में काम करता है। तो मैं सबसे पहले क्लियरली बात कर देता हूँ आपको, मोबाइल आप इंडिया से ही लाओ। यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में फंस जाते हो, आपको हमेशा मंथली 2 साल के लिए $113, $80, $90 देने पड़ेंगे। तो मेरी ये सजेशन है, आप मोबाइल 15-20 हज़ार का चाहे ले आओ, यहाँ चल पड़ेगा। कोई भी मोबाइल चलता है, सारे मोबाइल चलते हैं। ये नहीं कि कोई यहाँ पे ये टावर नहीं पकड़ेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सारे मोबाइल चलते हैं, ऑल टाइप ऑफ मोबाइल्स, ठीक है। चाहे एंड्रॉयड हो गया, एप्पल तो चलते ही चलता है, एंड्रॉयड सारे चलते हैं, सारे के सारे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट मैं आपको पहला पॉइंट ये बता देता हूँ, महंगे फ़ोन के लिए लोग जीरो डाउन पेमेंट पे तो ले ही लेते हैं, फिर जब जॉब नहीं मिलती GIC के 113 जाते रहते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग आपकी नील है, ज़ीरो है, और पैसे जाई जा रहे हैं आपके, तो आपको प्रॉब्लम ही होती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कनाडा आना है, अपना मोबाइल फ़ोन लेके आएं, ठीक है। सेकंड ये है, यहाँ पे प्लान्स आ जाते हैं $30-40 में विदाउट इंटरनेट। यू कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जगह वाईफाई हैं। कॉलेज में आपको वाईफाई मिलेगा, घर में आपको वाईफाई मिलेगा, टिम होटल्स में आपको वाईफाई मिलेगा, कोई रेस्टोरेंट जाओगे वहाँ आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि अगर आपको मोबाइल लाना है, प्लीज़ घर से ज़रूर लाएं। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आके अगर एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप 2 साल के लिए बंद जाते हो, 24 महीने के लिए, आप $100 दे रहे हो तो आप $2400 दे रहे हो, $2400 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 1.5 लाख रुपए दे रहे हो आप छोटे से मोबाइल फ़ोन के लिए, और आपको डाटा भी बहुत कम मिलता है, और वो अल्टीमेट प्लान होता है ऐसे ही कुछ। तो अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे, आपको ये बहुत ही महंगी पड़ेगी डील, ठीक है। मोबाइल पसंद आएगा तो बॉक्सिंग डे, बहुत सारे डे आते हैं, कैनेडा डे आता है, वहाँ पर आपको 60-70% ऑफ में मोबाइल फ़ोन्स मिल जाते हैं, और क्या चाहिए आपको। तो ये थोड़ा अपनी आंखें खोल लीजिए और थोड़ा विज़न को सुधारिए, और इंडिया से ज़रूर मोबाइल फ़ोन लाइए। मैं लेके आया था, मैंने आपको बताया था मैं इंडिया से मोबाइल फ़ोन लाया हूँ। मैंने सैमसंग S10 Plus इसलिए लिया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी मेरे मोबाइल फ़ोन में, और आपको क्वालिटी भी चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए, मुझे क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं मिलेंगी, और क्वालिटी टाइप की वीडियोस नहीं मिलेंगी। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसका मैं आंसर आपको दे दूँगा। और एक और चीज़, अगर आपको किसी कोर्स के रिलेटेड जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल है, गूगल से आप सर्च करो, आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम, आपको कितना कोर्स, कितना ड्यूरेशन है, PR मिलेगी या वर्क परमिट मिलेगा उसके रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता लग जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच, 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी होने वाली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।